बांका के धोरैया में रात के अंधेरे में स्टील के बक्से में बंद एक अज्ञात महिला का शव सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया है। सुबह लोगों की नजर जब सड़क किनारे फेंके गए बक्से पर पड़ी तब लोग चौंक गए और तत्काल धोरैया पुलिस को सड़क किनारे बक्सा पड़ा होने की सूचना दी गई। तब मामले का खुलासा हुआ और उसमें से एक अज्ञात महिला की अर्धनग्न अवस्था में शव को बाहर निकाला गया। घटना बांका जिला के धोरैया सन्हौला मुख्य मार्ग के फत्तू चक्के मंदिर के पास की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आज सुबह लोग उठे और सड़क किनारे बंद बक्सा देखकर लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस द्वारा बक्से को खोला गया तो उसमें से एक अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव बरामद किया गया। महिला के शरीर पर गहरे जख्म के निशान भी है। फिलहाल धोरैया पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन करने के साथ ही शव की शिनाख्त की कोशिश में जुटी है। शव फेंकने के तरीके और उसके शरीर पर उभरे जख्म के निशान से साफ जाहिर हो रहा है कि महिला के साथ मारपीट करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए सड़क किनारे फेंक कर फरार होने की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार यानी 24 सितंबर को ही पहले चरण का पंचायत चुनाव हुआ है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ कुछ लोग सड़क किनारे शव फेंक कर फरार हो गए। इस बाबत सदर SDPO DC श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की छानबीन करते हुए शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। सुबह लगभग 6:30 बजे हम जब सो के जगे तो कुछ आदमी ने यहाँ से एक दो आदमी ने फोन करना चालू किया तो हमको बोला कि एक यहाँ बक्सा मिला है और बजरंगबली के पास वो बक्सा रखा हुआ है और उसमें क्या है नहीं वजन बहुत लगता है बक्सा। तो फिर प्रशासन को खबर किया गया, सबसे पहले चौकीदार यहाँ भेजा गया, चौकीदार आया, उसके बाद फिर उसको खोला नहीं गया, फिर प्रशासन आया, बड़ा अबू आए, बड़ा अबू के आदेश पे प्रशासन ने खोला तो उसमें एक औरत लगभग 40 साल की है जो कि लगता है कि अर्धनग्न अवस्था में उसको उसमें पैक कर दिया गया था और उसको निकाल के रखा गया है। अभी तक तो उसका शनाख्त नहीं हो पाया है।